एम्बुलेंस को कॉल कर दी और पता नहीं क्या क्या कर दिया यार। दूसरी ये DDLJ वाली घंटी। और वो पहाड़ों पे चल चल के थकावट हुई थी वो अभी तक नहीं उतरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वर्क व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। ये स्विट्जरलैंड वाली सीरीज क्या कमाल रही यार। ये वाली लिंक पे क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। जिस तरफ नजर जाती थी यार, मतलब ऐसा लगता था हेवन ऑन अर्थ वाला सीन है। बस यार मजा आ गया। मतलब ऐसी वाली सीरीज यार और बहुत सारी बनती रहेंगी, आप लोगों के इस चैनल पे मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए हम लोग अपने बेस लंदन वापस आ चुके हैं, अपने घर में, और आज का दिन शुरू करने वाले हैं। अभी शुरू हो चुका है टेक्निकली आज का दिन। बिया आरिश को वैक्सीन लगवा के आए हैं और बिया क्या कमाल ब्रेव रही है, हैट्स ऑफ टू हर। फिलहाल के लिए नाश्ते करते हैं। स्विट्जरलैंड में भी बहुत मज़े का नाश्ता मिलता था यार, लेकिन यहाँ का घर का अपना जो नाश्ते की बात होती है वो तो कहीं नहीं होती ना। तो इट्स ऑलवेज गुड टू कम बैक होम और वो अपना अपन फील कर गुड टू कम बैक टू बूबू। जब ये वाले नाश्ते की मैं बात कर रहा था, और बूबू ने आज थोड़ा सा स्विस टच देने के लिए चीज़ के स्लाइसेस भी रखे हैं साथ में। आज आप सबको ये भी बताया बीरा कितनी ब्रेव है यार। अभी हम आए हैं बीरा को और आरिश को वैक्सीन लगवा के, और बीरा को स्टिकर मिला है। दिखा बीरा को स्टिकर मिला है कि आई वाज ब्रेव टुडे। बिल्कुल भी नहीं रोई यार, इधर भी इंजेक्शन लगा, इधर भी लगा, एक कतरा नहीं। मतलब शी वाज ओके, ऐसे भी नहीं किया। शी थोड़ा सा चुभा था, बट आई वाज फाइन। ब्रेव गर्ल, ये भी थोड़ा सा रोया था, थोड़ा सा तो छोटू है ना, जो बोल रहा है उसका चाहिए 4 इंजेक्शन। आई थिंक वो मार दिया। हाँ यार, ये सुबह से जब से आया हूँ ये पता नहीं क्या वैक्सीन का असर है, ये क्या है, ये उदास हुआ है। ये देखो क्या करते है, उठती नहीं रहा। इधर ही सोया हुआ था, फिर इधर ही उठा, फिर इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, फोन तो नहीं आ रहा। वाकई में नहीं, वाकई में यार बहुत ही बैड सीन होने वाला था। अभी मामा जस्ट उठी हैं, उन्होंने अपनी दवाई इधर रखी हुई थी कैंसर वाली, और आरिश ने यार उसको पकड़ के खा लिया। उसके बाद यार हम लोग जो पहने को है, और उसके बाद अभी कॉल की डॉक्टर को, उसने कहा यार घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी देर नज़र रखें और वॉमिट करवाइए उसको। बट यार ठीक हो ना? That's his normal childhood vaccination. Yeah, that's correct. The one year one. Thank you. We're happy that no further actions need to be taken. No doctor needs to be involved. This is a situation that we can manage at home, sir, especially with him being, you know, non-toxic and no concerns. Taking tablets accidentally. Bubu, it's okay, isn't it? Yeah, it's okay. I feel like he's more active. Yeah. यार लेकिन बिल्कुल सीन बैड हो गया था। मैंने तो एम्बुलेंस को कॉल कर दी और पता नहीं क्या क्या कर दिया यार। मतलब बैठी हुई लिटरली, मामा ने अभी अपनी वो मेडिसिन की वो ना एक बॉटल है वो रखी है, और एक लकीली एक मेडिसिन थी उसके अंदर, एक टैबलेट थी, वो लेके भागा है। पता नहीं मामा उस तरफ गई है, इसकी नज़र वो चाय गर्म कर रही थी, एकदम से पीछे लेके भागे और खा ली। मामा वापस आई, मामा कश ने खा लिया है। मैं जब उसको वॉमिट कराने गया ना, तो मैंने ऐसे, मतलब एक तो मेरी उंगली पे काटी जा रहा था, मुझे वॉमिट नहीं करने दे रहा था। इसके गले में मेरा ये नाखून लग गया और वहाँ से ब्लड आया, तो ब्लड से दाग देख के ना, तो मतलब एक और बंदा डर जाता है कि यार मेडिसिन खाई है, ब्लड आ रहा है। बदतमीज, हर चीज़ नहीं खाते। बस जो सुविनियर्स आए थे, ओए दूसरा किधर गया? आरेश, पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं गए हैं और वहाँ से दो सुविनियर लेके आए हैं। एक तो ये स्विट्जरलैंड वाली स्विस वॉच, दूसरी ये DDLJ वाली घंटी। मतलब अगर आप स्विट्जरलैंड जाओ और DDLJ वाली घंटी नहीं लेके आओ, तो फिर तो पूरा नहीं होता ना सिस्टम। तो बस इसलिए दो सुविनियर स्विट्जरलैंड की। तो टाइम फ्रेम सेट हो गया इस पर, अब इसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं। पद्दू ने ना सही टेंशन डाली हुई थी, तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि जाके थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं। इसी पद्दू के ना कुछ पैम्पर्स खत्म है। अभी तो स्विट्जरलैंड जाने से पहले पैम्पर लिए थे आरिश के, फिर से लेने हैं।
इधर से आओ, इधर से कहाँ आ रही हो? चलो पैंपर लो और जल्दी से घर चलें। ये इन्होंने सही से सुन लिया यार, न्यू जेली और साथ में उसमें हलाल मेंशन है, मतलब आल्दी में काफी सही सिस्टम है यार। अभी देखो बंद है ना उधर से, कैसे जाएंगे अंदर? चलो जाओ शौक पूरा कर लो, गो। चलो 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 चलो। बस इतना सा? हाँ चलो चलो चलो। हैप्पी? हाँ मामा उधर गाड़ी में, चलो। यार यूके भी बहुत फिट लगता है यार, ऑटम में मतलब एक अलग ही वाइब आ रही होती है, वो दूर दूर वो जो पत्ते और वो सब कुछ, वो ट्रीज, मजे का सीन होता है। अभी यहाँ से ताज ग्रिल की फिश लेने जा रहे हैं ताकि स्विट्जरलैंड के खानों का जो वो शौक है ना वो मिटाया जा सके। वैसे वहाँ के जितने भी सिंपल खाने थे टेस्ट थे, लेकिन फिश तो यहाँ की मसाले वाली फिश खाने के लिए मजा आया। हाँ वो तो अच्छी होती है, इनका पेरी पेरी चिकन भी अच्छा। ये ब्लैक होल टनल है और वो भी जब नई नई आई थी तो रात में बहुत डरती। हाँ अब नहीं डरती, अब आदत हो गई। अनिश को बुखार हुआ, अनिश को वैक्सीन लगी थी। ताजग्रिल आ गया? नहीं अभी किधर? आ गया? बोबो बहुत भूख लगी है। आ गया? नहीं। आ गया? कुछ तो पिक कर लिए, अब सीधा घर निकलते हैं यार। जब से स्विट्जरलैंड से वापस आया ना वो अजीब सी वाइब है कि यार घर में रहने का ज्यादा दिल कर रहा है, फिरने का दिल नहीं कर रहा। और वो पहाड़ों पे चल चल के जो थकावट हुई थी वो अभी तक नहीं उतरी है, तो बस जल्दी से घर जाते हैं, डिनर विनर करते हैं। वैसे भी अभी आरिश जो है वो काफ़ी स्लो फील कर रहे हैं, वो वैक्सीन अच्छा खानी भी है, शक्लें भी बनानी है। तो घर वापस आ चुके हैं, बस आज के ब्लॉग को या शॉर्ट सिंपल स्वीट रखते हुए ये बिया अपना कोई बैलेंस हो वाली जेली लगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नए दिन एक ब्लॉग के साथ। और काफ़ी अर्से के बाद बिया के साथ ब्लॉग एंड होने लगा है, तो फिर एज ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।